बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद हारून अरशद और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद हारून चैनल को। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इस्माइल हनिया की शहादत से मुतल्लिक तफसीलात जारी कर दी, बहुत बड़ी खबर। ईरानी पासदारान इनकलाब ने तेहरान में कातलाना हमले में शहीद होने वाले फलस्तीनी मुजामती तंजीम हमास के रहनमा इस्माइल हनिया की शहादत से मुतल्लिक तफसीलात जारी कर दी है। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हमास रहनमा इस्माइल हनिया को कम फासले से मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया और ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान का बदला शदीद होगा, मनासा वक्त जगह और तरीके से हम बदला लेंगे। दहशतगर्द सहवानी रियासत को इस जुर्म का फैसला कर रद्द अमल दिया जाएगा। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी। पासदारान इनकलाब का यह भी कहना है कि इसराइल को इस हमले में अमेरिका की मदद शामिल थी। ख्याल रहे कि इस्माइल हनिया को 31 जुलाई को तेहरान में इस वक्त शहीद किया गया जब वो ईरानी सदर मसूद पजगशान की तरकीब हलफ में शिरकत के लिए ईरान के दारुल हुकूमत में मौजूद थे। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो अमरीकी अखबार ने यह भी दावा किया है कि इस्माइल हनिया की शहादत बम फटने से हुई है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक तेहरान में जिस कमरे में इस्माइल हनिया मौजूद थे वहां बम पहले से नसब किया गया था और धमाके का रिमोट कंट्रोल से किया गया था। बहुत बड़ी खबर। अखबार ने जराए से दावा किया है कि इस्माइल हनिया जिस गैस हाउस में ठहरे हुए थे वो ईरान के पासदारान इनकलाब फोर्स की जेर निगरानी एक वसी कंपाउंड में वाकया है और वहां पर 2 माह कबल ही बम पहुंचा दिया गया था। इसके अलावा आपको ये बताता जाऊं कि बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस्माइल हनिया के जेर इस्तेमाल मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद 2 ईरानी सिक्योरिटी एजेंटों के जरिए नसब कराया था। बरतानवी अखबार के मुताबिक इस्माइल हनिया इसी इमारत में अक्सर क्याम करते थे। असल मनसूबा यह था कि इस्माइल हनिया को जहाज हादसे में जहां बाहर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जनाजे में शिरकत के मौके पर ही मई में कत्ल किया जाता, लेकिन ऑपरेशन इस वक्त इसलिए नहीं किया गया था कि क्योंकि नाकामी के खदशा ज्यादा थे और इमारत में बहुत बड़ा मजमा भी मौजूद था। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि ईरानी हुकाम के पास इमारत की CCTV मौजूद है जिसमें एजेंटों को चुपके से कमरों में इंतहाई तेजी से आते जाते देखा जा सकता है। बरतानवी अखबार का दावा है कि धमाका खेज नसब मवाद जो है वो करने वाले एजेंट ईरान छोड़ चुके थे, ताहम ईरान में एक साथी से इनका तल्लक कायम था और धमाका खेज मवाद को ईरान के बाहर से रिमोट कंट्रोल के जरिए तबाह किया गया है, जबकि तहकीकात के दौरान दीगर 2 कमरों से भी धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया है। पासदारान इनकलाब के एक एहलकार के हवाले से बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि इन्हें यकीन नहीं है कि मुसाद ने इंसारुल महदी हफाजती यूनिट से तल्लक रखने वालों को एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जो आला तरीन अफसरों की हिफाजत पर मामूर होते हैं। टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मिलिट्री ज़राए का बताना है कि इस्माइल हनिया के कत्ल की तहकीकात के लिए इंटेलिजेंस और मिलिट्री अफसरान के अलावा इस्माइल हनिया के गेस्ट हाउस के मुलाजमीन को भी हिरासत में ले लिया गया है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी।